नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव यम की पार्थिव शरीर लेकर के पहुंच चुके हैं सूर्यलोक। सूर्यलोक में बाकी सभी देवता एवं असुर भी साथ में थे। तभी पिता की जो प्रश्न थे, पिता के प्रश्नों का उत्तर कोई दे नहीं पा रहा था, क्योंकि एक पिता जब इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि उसके पुत्र की मृत्यु का कारण कौन है, तो कोई भी उस पिता के क्रोध में आने की चेष्टा नहीं करेगा। तो पिता का क्रोध हम सभी जानते हैं, क्योंकि स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का क्रोध सभी जानते हैं कि अगर वो विनाश पे आए तो पूरी सृष्टि को राख कर देंगे। तो फिलहाल तो शनिदेव ने अपने मत्थे सब कुछ ले लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे चुनाव का जो फल है वही है यम की मृत्यु। अब हमें देखना यह है कि क्या सारी सभा भी यम उन्हीं को दोषी मान लेगी, क्योंकि अभी नारद मुनि भी वही है। क्या होगा आगे ये तो हमें एपिसोडों में ही पता चलेगा। तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 56 पार्ट 2। यमी, एक भाई का कर्तव्य होता है कि वो अपने बहन की रक्षा करे, परंतु मैं नहीं जानता ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। जो अपने भाई की रक्षा नहीं कर सका, उसे तुम क्या अपेक्षा रखोगी? हम आज तक मैं सदा आपको उपदेश देता रहा कि उचित मार्ग पर लौट आए, परंतु आज समझ में आया मैं स्वयं उचित मार्ग नहीं जानता। इसे स्वयं का मार्ग ज्ञात नहीं, औरों को क्या मार्ग पर लाएगा? और सबके साथ साथ देव जाति का भी दोषी हूं। कि मैं देव पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया। बहुत ही ज्यादा घूम चुके हैं, आज अनुभव हुआ मुझे कि मैंने सबको निराश किया, देव को भी। आज अनुभव हुआ मुझे कि ना ही मैं सम्मान का पात्र हूं, ना ही विश्वास का, और ना ही प्रेम का। मैं अधिकारी हूं तो निंदा का, पात्र हूं तो दंड का। यदि मेरी माता और आपने मुझे दंड नहीं दिया तो मैं स्वयं को दंड दूंगा। मेरा भार हल्का कर दीजिए, दे दंड दीजिए मुझे, भस्म कर दीजिए मुझे, भस्म कर दीजिए मुझे, भस्म कर दीजिए मुझे। मत कहो पर तुमने अथक प्रयास किया, तुम दोषी नहीं हो। दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा शनि। ये श्रेष्ठ है
कि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सज्ज हो जाओ शनि, तुम्हें अपने अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। सूर्यदेव, ये उचित नहीं है। उचित अनुचित ये निश्चित कर चुका हूं मैं, और आज मेरे निर्णय के मध्य कोई नहीं आएगा। स्वयं ईश्वर आएंगे लगता है। सही रहा नहीं देव, रुक जाइए, रुक जाइए देव, ऐसा मत कीजिए। मैं एक पुत्र को खो चुकी हूँ, दूसरा पुत्र नहीं खोना चाहती देव। हट जाओ मेरे मार्ग से संज्ञा। सनी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। नहीं माता, मैं सत्य में दंड का पात्र हूँ। हट जाओ संज्ञा। ओपे भाई, तब क्या? माता, माता उठिए, माता, माता। कहते ना क्रोध में अपना इंसान स्वयं नाश कर लेता है। इसे देखा जाए तो सूर्य भगवान का क्रोध ही उनको अब लो उल्टा बैक फायर हो गया। भाई मैं दंड का पात्र था, मैं दंड पाने को सज्ज था सूर्यदेव। फिर मेरी माता पर प्रहार क्यों? अरे यार इतना तो इसमत दो भाई यार। क्या चल रहा है भाई? इसका प्रतिकार लूंगा मैं। इतना कुछ बुरा कर चुका, अपराध ही सिद्ध हो चुका हूं, तो एक अपराध और सही। चार कत्ल एक और सही। पासी तो तब भी है, पासी तो तब भी है भाई। फिर ग्रहण लगा दिए भगवान का ट्रीटमेंट अभी तो फिर से। क्रोध प्रचंड हो गया एकदम। उनकी सांस से रुकने लगी। यार सुलग रहे हैं यार, अग्निदाग हो गई उनकी यार। गजब
सबकी उपस्थिति में घुटने न टिकवा दो। ये क्या था भाई, हमने क्या देखा अपनी आंखों से? अभी इतने ट्विस्ट एक साथ हजम नहीं हो रहे भाई। अरे क्या ही बताए, अभी यहां पुत्र का घात मिला, माता मूर्छित। माता को मूर्छित देख करके पुत्र दुखी, पुत्र को दुखी देख करके पिता क्रोधित, पिता के क्रोध से माता आहत, और माता के आहत होने से पुत्र क्रोधी, पुत्र के क्रोध होने से सूर्यदेव को संकट। ये क्या चल रहा है भाई? मतलब इतने ट्विस्ट, हमें लगा ये एपिसोड इसी के साथ अंत हो जाएगा कि शनिदेव को दंड मिलेगा। हो सकता है स्वयं महादेव उपस्थित होके ये बताएं कि तो ये नियति है, इसको एक्सेप्ट करिए आप, ठीक है, नियति है या जो कुछ भी है, शनिदेव इसके अपराधी नहीं है। लेकिन ये तो अलग ही ट्विस्ट दे दिया कि उन्होंने प्रहार किया, वो प्रहार गया उनकी माता पे, माता मतानी बची है कि क्या है, उसके बाद शनि देव ने सारा क्रोध वापस पलट दिया। भाई यार कसम, ऑसम लेवल है यार, मजा आ रहा है, कुल मिलाकर मजा आ रहा है, बहुत ट्विस्ट, थोड़ा अनडाइजेस्टेबल है लेकिन मजा तगड़ा आ रहा है, मजा तगड़ा। जैसे कहते हैं ना, कभी कभार वो मोटा वाला बर्गर होता है, खाने में मजा आता है, बाद में समझ में आता है कि दिक्कत हुई। अभी तो हम लोग यही सोच पा रहे थे कि शनिदेव का रक्षण किस प्रकार होगा, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि सूर्यदेव का रक्षण किस प्रकार होगा। पहले तो पुत्र को बचाने आएंगे महादेव, अब खुद पिता को बचाने आएंगे। चलिए क्या होगा ये तो आगे के एपिसोडों में पता चलेगा। फिलहाल अगर मुंह से कुछ त्रुटिवश निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, अंदर से कोई ऐसा इमोशन नहीं है। ठीक, फिलहाल समाप्त, शीघ्र लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।